ये क्या कर रही हो तुम? मैं आपके उसके पास तो नहीं जा सकती, इसलिए आपके पैर छू के माफी मांग रही हूं। उनसे कहना कि हो सके तो मैं माफ कर दे। लड़की सुहागन के कपड़े पहन के घर छोड़ती है, उसकी कोई मजबूरी नहीं होगी। कैसी मजबूरी? किसी और के साथ भागने की, या फिर चंडीगढ़ जा रही थी फिल्मों में काम करने? जवाब दे मेरी बात का। आपके दोस्त बहुत अच्छे इंसान है, मेरी ताई जी ने बहुत कुछ बताया था मुझे उनके बारे में। इससे पहले इंसान को मैं जिंदगी भर का दर्द कैसे दे देती, इसलिए अपनी शादी छोड़कर भाग गई। मैं कुछ समझा नहीं, साफ साफ बता। जो आपके दोस्त के साथ मेरा ब्याह हो जाता तो भी मैं ज्यादा समय साथ नहीं निभा पाती। डॉक्टर ने बोला कि मुझे कोई बहुत खतरनाक बीमारी है पेट की, बोला कि बहुत ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। थोड़ी देर बाद उसकी हालत सुधरने लगी और फिर जो लड़की मेरे सामने थी वो एक बहुत बड़ा अपराध करके भागी एक कमजोर सी लड़की नहीं, एक बहुत हौसले वाली जिंदगी से भरी लड़की थी जो जीना चाहती थी पर जानती थी कि जी नहीं पाएगी। तूने अपने घर वालों को बताया है इस बीमारी के बारे में? मैंने नहीं बताया किसी को। क्यों नहीं बताया अपने परिवार को? कब बताती, थोड़े दिन पहले की तो सारी बात है। बीजी और बाऊजी तो शादी की तैयारी में लगे थे तो मुझे बद्री चाचा के साथ भेज दिया उस डॉक्टर के पास। उस मुए ने वड़ी वड़ी सुइयां लगा के मेरा आधा खून तो ऐसे ही निकाल लिया था। फिर बोला 3 दिन बाद आना, और जब गई तो बोला आपके खून की जांच की है। बेटा तू तो गई, मुए ने बताया भी तो कब, यहां से 1 दिन पहले, कि मैनू कोई बड़ी गहरी बीमारी और ज्यादा नहीं जीने वाली हूं। पहले तो सोचा अब की करा, किसको जाके बताऊंगी सब। फिर सोचा बताओ मैं तो बताऊं क्या, कि ये लो जी डोली नहीं आरती उठाने की तैयारियां कर लो सब। मैंने सोच लिया कुछ नहीं बताना किसी को, मैं घर वालों और दुनिया वालों की गालियां तो सुन सकती हूँ लेकिन ये नहीं देख सकती कि मेरे बीजी और बाऊजी मुझे मरता हुआ देखे। पर अब तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कब निकल ली। बस अब मेरे बुढ़ा बुढ़ी बैठकर कोसते रहेंगे मैनू, कम से कम मुझे याद करके रोएंगे तो नहीं, ये तो नहीं सोचेंगे कि अपनी कुड़ी नू बचा नहीं पाए। आप बहुत गुस्सा होना मुझसे, मेरी वजह से आपके दोस्त की बारात खाली हाथ लौट गई। पर एक गल दसो मैनू, एक ऐसी लड़की जो कभी भी लाश बन सकती है उसको ब्याह के ले जाने से तो अच्छा ही हुआ ना कि बारात खाली हाथ लौट गई। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कमजोर बीमार सी लड़की के रूप में याद रखे।
मैं तो चाहती कि जब भी कोई मुझे याद करे तो एक हंसती हुई खुश रहने वाली अमृता सबको नजर आए। इसीलिए भाग गए मैं तो। बस दो चार दिन सब मुझे जी भर के गाली देंगे, फिर सब आगे बढ़ जाएंगे। किसी को याद नहीं रहेगा कि अमृता नाम की कोई थी भी।